पूर्व मंत्री और बालाघाट विधायक गौरी शंकर विसेन ने नगर पालिका कर्मचारियों का सम्मान किया है। पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और कुछ कोरोना वॉरियर्स अपनी जान जोखिम में डालकर सुविधाएं मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। ऐसे में निरंतर इनकी प्रशंसा हो रही है, तो वहीं अब इनका सम्मान भी किया जा रहा है। इस दौरान देखा जाए तो स्वास्थ्य कर्मी, प्रशासन के आला अधिकारी, पुलिस अमला, स्वच्छता कर्मी, बिजली कर्मी, पोस्ट ऑफिस कर्मचारी, इन तमाम लोग ऐसे हैं जो कोरोना वॉरियर्स कहला रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। इसी बात को लेकर प्रदेश के पूर्व मंत्री व विधायक गौरी शंकर विसेन ने सभी का सम्मान किया है। विधायक विसेन ने स्थानीय नगर परिषद बालाघाट में स्वच्छता दूत कर्मचारी और अधिकारियों को जनता जनार्दन की ओर से अभिलिखित धन्यवाद प्रस्ताव सम्मान स्वरूप भेंट किया है। वहीं इस दौरान सभी लोग इनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। बालाघाट सहित मध्य प्रदेश में जो सफाई विभाग के लोग, चाहे वो नगर पालिका परिषद के लोग हों, चाहे ग्राम पंचायत क्षेत्र अथवा नगर निगम परिषद क्षेत्र के, तथा हमारा जो हेल्थ विभाग का अमला है, पैरामेडिकल का हमारा स्टाफ, डॉक्टर्स और हमारे प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी, हमारे पुलिस महकमापुरा, हमारे कर्मचारी जो कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अपनी जान की परवाह के बगैर दिन रात लगे, उन सबको हम अभिनंदन करने के लिए उन्हें उनको धन्यवाद पत्रक के माध्यम से उनका अभिनंदन हम कर रहे हैं। उन्होंने विगत दिनों पुलिस विभाग का, उसके बाद में स्वास्थ्य विभाग का और आज नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों का अभिनंदन किया है। उन्हें विश्वास दिलाया कि सुविधा की घड़ी में जो आप अपनी जान को खतरे में डाल के सफाई के काम में लगे, दवा छिड़काव के काम में लगे, नगर को पूर्ण रूप से साफ सुथरा रखने में और क्वारंटाइन करने में लगे, उसमें यह हम सब आपके साथ हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने स्वयं अपने पावर स्प्रेयर ट्रैक्टर से बालाघाट में छिड़काव का काम प्रारंभ किया और आज भी जारी है। उसी तरह से हमारे हैंड स्प्रेयर के माध्यम से हमारे कर्मचारी लगे सफाई दवा झड़कने में, सफाई काम में उनका अभिनंदन करने के लिए नगर पालिका परिषद आए हुए थे। मुझे बताते प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश शासन ने बीपीएल और अंत्योदय के जो कार्डधारियों को एक रुपये किलो में राशन 3 महीने का अग्रिम दिया जा रहा है, उसका 1 रुपये में लेना बंद कर दिया है, वो निःशुल्क दिया जा रहा है।